हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं काजोल। टीवी क्वीन अभिनेत्री रूपाली गांगुली का शो अनुपमा इन दिनों खूब सुर्खियों में बना हुआ है। रूपाली की दमदार एक्टिंग के चलते ये शो टीआरपी में भी नंबर वन पर है। इस शो में इन दिनों शाह परिवार में अनुपमा के कदम रखने से हंगामा मचा हुआ है। अब तक आपने देखा कि पाखी माँ अनुपमा को जमकर ताने देती है और बाँ ने अनुपमा के लिए शाह परिवार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। अब वनराज अनुपमा की बेइज्जती करेगा, लेकिन तभी अनुज मौके पर पहुंच जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अनुपमा के अगले एपिसोड में क्या नया ड्रामा होने वाला है। जो कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे पाखी की अनुपमा के साथ बदतमीजी देख अकेली काव्या ही गुस्सा करती है। हालांकि काव्या अनुपमा को सपोर्ट करती नजर आ रही है। वो वनराज से पाखी को डांटने के लिए भी कहती है, तो शो भी अनुपमा पर अपना गुस्सा निकालता है। इधर शो में भयंकर ड्रामे के बाद बाँ ने एक बड़ा फैसला लिया और अनुपमा को शाह परिवार में कदम न रखने की धमकी दे दी। अनुपमा के लिए ये फैसला काफी दुख पहुंचाने वाला है। शो के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे बाँ अनुपमा से कहती है कि मिसेस कपाड़िया, आप आज के बाद हमारे घर पर कभी कदम मत रखिएगा। इस फैसले पर कोई नाराजगी जाहिर नहीं करता। किंजल की मां राखी दवे इस बात पर बहुत खुश होती है, लेकिन अनुपमा बा के इस फैसले से टूट जाती है। वो अपने बच्चों और मायके के लिए फूट फूट कर रो पड़ती है। अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में वनराज और अनुपमा खूब लड़ाई करेंगे। अनुपमा कहेगी कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हक पाया है, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। इस पर वनराज अनुपमा को रोने धोने का ड्रामा बंद करने के लिए कहेगा। वो उसे धक्के मारकर घर से निकालने की धमकी देगा। तभी अनुज वहां पहुंच जाता है और वनराज से कहता है कि अनुपमा को हाथ लगाकर तो दिखाए। अभिमन्यु और अक्षरा के बीच आने वाला है तीसरा टीवी के सुपरहिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा के बीच हेल्थ इश्यू को लेकर दूरियां आ गई हैं। लेकिन अक्षरा पति की सलामती और उसे ठीक करने के मिशन में जुट गई हैं। अक्षरा पति के लिए डॉक्टर को किसी भी सूरत में ढूंढ लाना चाहती है। अभिमन्यु का किरदार अभिनेता हर्षद चोपड़ा निभा रहे हैं, तो वहीं अक्षरा के रोल में प्रणाली राठौर हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड की जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। अक्षरा का जन्मदिन है, साथ ही शो में जल्द ही नए किरदार की एंट्री होने वाली है, लेकिन ये कौन है और कहाँ से आया है इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। बीते दिन ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखाया गया कि अक्षरा अभिमन्यु के लिए डॉक्टर्स की बात करती है और कहती है कि वो परेशान ना हो, अपना करियर, अपने सपने सब भूल बैठी है। इधर शो में अभिमन्यु अपने इलाज को भूल अक्षरा को खुश करने में लगा है। दोनों की ये जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आती है। अब शो के लेटेस्ट प्रोग्राम में अक्षरा का जन्मदिन दिखाया गया है। इसके लिए परिवार के लोग काफी खुश हैं। साथ ही अभिमन्यु ने अपने लेडी लव के लिए खास सरप्राइज प्लान किया है। उसने म्यूजिक लव अक्षरा के लिए गिटार बजाना सीखा है। ये अजीब बात है कि हाथ दर्द से परेशान अभी गिटार बजाना सीख रहा है। खैर, डेली सोप में कुछ भी हो सकता है। ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, बॉलीवुड गलियारों से बहुत बड़ी गुड न्यूज सुनने को मिल रही है। ऐसी खबर जो आपका दिल खुश कर देगी। बॉलीवुड डीपा बिपाशा बसु को लेकर गुड न्यूज है। खबरें हैं कि बिपाशा बसु प्रेग्नेंट है। वी और करण सिंह ग्रोवर पेरेंट्स बनने वाले हैं। कुछ खबरों की माने तो बिपाशा बहुत जल्द फैंस को एक गुड न्यूज सुना सकती हैं। अभी तक बिपाशा करण की तरफ से प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं की गई है। बिपाशा करण का फेमस मंकी लव, अगर ये न्यूज सही है तो बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के घर उनकी शादी के 6 साल बाद किलकारियां गूंजने वाली है। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने अप्रैल 2016 में शादी की। उनकी शादी को चाहे 6 साल हो गए हों, मगर आज भी दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। उनका मंकी लव फैंस के बीच पॉपुलर है। दोनों आइडल कपल माने जाते हैं। करण और बिपाशा फैंस को रिलेशनशिप गोल्स देते हैं। दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री हिट है। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर क्यूट कपल हैं। मुलाकात इनकी 2015 में हॉरर फिल्म अलोन के सेट पर हुई थी। अलोन के सेट पर दोनों के दिल ऐसे मिले कि तब से उन्होंने कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा। अलोन मूवी में बिपाशा और करण ने पहली बार स्क्रीन शेयर किया था। फिल्म में उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया गया। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी हिट हुई जोड़ी रियल लाइफ में भी हिट हो गई। 30 अप्रैल 2016 को दोनों ने धूमधाम से शादी की। भोजपुरी और हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस संभावना सेठ किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्हें कौन नहीं जानता। विवादित बयान, ट्रोलिंग और आजकल कंसीविंग को लेकर चर्चा में है। एक्ट्रेस वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। थाईलैंड में पति अविनाश संग लाइफ के कुछ स्पेशल मोमेंट्स को जी रही हैं। यूट्यूब पर संभावना सेठ अपना चैनल चलाती हैं, जिसका नाम है संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पर थाईलैंड सीरीज का 5वां एपिसोड इन्होंने शेयर किया, जिसमें वो दुनिया के सबसे बड़े पायथन को गले में लेकर वीडियो बनवाती दिख रही हैं। ये वीडियो 29 जुलाई को ही संभावना सेठ ने शेयर किया। अब तक इस बार 80,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वीडियो में संभावना सेठ थाईलैंड से पटाया की अपनी जर्नी दिखाती हैं।
इसमें संभावना बताती हैं कि जिस दिन वो थाईलैंड आई उसी दिन रात में उन्हें काफी उल्टी हुई, तबियत खराब रही। ऐसे में पूरा दिन वो केवल आराम ही करती रही। डॉक्टर को होटल के रूम में ही बुलाया और बिल देखते के साथ ही वो ठीक भी हो गई। एयरपोर्ट से पटाया का सफर संभावना सेठ का काफी कंफर्टेबल रहा। तो ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।